खिलाई और उसकी जिंदगी बदल गई। और मेरे को उसकी स्टोरी सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला यार ये अचार बेचती थी और इसकी जिंदगी बदल गई, और मेरा तो अंडे का काम है, तो अ से अचार अ से अंडे, तो मतलब इसकी जिंदगी बदली, तो डेफिनेटली मेरी भी जिंदगी बदल सकती है अगर मैंने सही तरीके से इसको समझा। तो थैंक्स करना चाहूंगा रमन मैम का, जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया। और जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जैसे मर्जी आए, चाहे हम कोच बनने के लिए आए या हम अपनी सेहत ठीक करने के लिए आए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें न्यूट्रिशन को यूज करना पड़ता है, राइट। तो मैंने भी वही किया, मुझे जो न्यूट्रिशन मिला मैंने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अच्छी चीज क्या फील होती है, एनर्जी बढ़ता है ना, एनर्जी बढ़ता है। तो मेरा एनर्जी अच्छा होने लगा, और वो एनर्जी मुझे कहाँ से पता लगा, जब मैं अपना काम करता था तो मैं पहले थक जाता था, लेकिन अभी मैं सुबह से रात तक काम करने में थकता नहीं था, तो मुझे लगा कि यार शरीर में एनर्जी आ रही है। फिर धीरे धीरे वेट कम होने लगा, और जैसे आप लोगों के साथ हुआ कि ट्रिपल एक्सल से एक्सल पे, फिर एक्सल से एल, एल से एम, है ना, ऐसे होने लगा मेरे साथ। लेकिन जब मेरा वेट कम हुआ, तो क्योंकि मैं सुबह से रात तक, मेरा काम क्या था, लोगों के बीच में रहना, सुबह से रात तक मुझे अपने एक्स की सप्लाई के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता था। तो आपके साथ भी होता होगा कि आपको देख के कई बार लोग पूछते हैं, आपसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अरे आप पहले से कैसे एकदम फिट हो रहे हो, आपका स्किन बड़ा ग्लो कर रहा है, आपका एनर्जी बढ़ रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा, और मेरे से एक दुकानदार ने पूछा, मेरा फर्स्ट कस्टमर था वो, क्योंकि आज आज की ट्रेनिंग में आपने सीखना है कि सबसे पहले, जो कि हर एक ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, हमें किसके ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने पर्सनल रिजल्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि जितनी भी लीड्स जनरेट होंगी ना, वो आपके रिजल्ट्स के देखने के बाद होंगी। तो मेरे को याद है कि मेरा अभी 5 साढ़े 5 किलो ही वजन कम हुआ था, तो एक दुकानदार ने मेरे से पूछ लिया, और वो मेरा पहला कस्टमर था, बाय द वे वो मेरा पहला कस्टमर था, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा पहला कस्टमर बनने वाला है। मैंने सिर्फ उसको हल्के से तरीके से बताया कि हाँ मैं कुछ ऐसा न्यूट्रिशन इंटेक कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था ना एक्चुअली, मैं मेरे को उस टाइम ट्रेनिंग नहीं थी, बात कैसे करनी है, क्या बोलना है, लेकिन मैंने एक चीज सही बोल दी उसको। वो क्या था कि मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको अपने कोच से बात करवाता हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की है मेरे सेहत को ठीक करने में, राइट। तो आपको परसों परमिंदर पाल जी ने बड़ा अच्छे से बताया कि आपको अपने कोच का नंबर देना है, कोच से बात करवानी है, तो मैंने भी सेम वैसे ही किया। तो मेरे कोच जो है उन्होंने बढ़िया से उनसे कम्युनिकेट किया, और वो मेरा कस्टमर बन गया। और उस दिन मुझे याद है कि मेरी पहली इनकम हुई थी हर्बल लाइफ में, जो पहली इनकम है ना हम कभी नहीं भूलते, मेरी पहली इनकम 400 रुपये थी हर्बल लाइफ में। अब वो आप बोलोगे यार 400 रुपये क्या बहुत ज्यादा है क्या, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि मैं सुबह से रात तक मेहनत करता था, 150 रुपये कमाता था, 200 रुपये। और यहां मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी खुशी दूसरे को बताई, यार मैं बड़ा खुश हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मेरे को ये मेरी सेहत ठीक हो रही है। और वो खुशी जाहिर करने पे उसने बोला यार मुझे भी बताओ, मैं भी शुरू करूंगा, और उसने न्यूट्रिशन किया शुरू, तो मेरे को 400 रुपये बचे। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे कोच मुझे गाइड करते रहे, मैं ट्रेनिंग्स में जाता रहा, और सबसे बड़ी बात, मेरे को जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया ना, वो ट्रेनिंग्स में आने के बाद आया, क्योंकि ट्रेनिंग से पहले मुझे पता ही नहीं था कि हर्बलाइफ इतनी बड़ी कंपनी है, हर्बलाइफ में इतने सारे लोग काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं और मेरे कोच, मुझे पता शुरू में क्या लगता था, जो मेरे कोच है रमन मैडम, ये हर्बल लाइफ के मालिक है और ये ही करते हैं काम, और ये मुझे प्रोडक्ट देंगे और मैं बेचूंगा, है ना। तो शायद मुझे ऐसा लगता था पहले, लेकिन जब मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में गया, उसमें जाके मैंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज को सुना, और लोगों का मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी, लोगों का एक्साइटमेंट, लोग बड़े खुश थे, क्लैप कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। तो ये दुनिया मेरे लिए एक अलग दुनिया थी, क्योंकि मैं कौन सी दुनिया में रहता था, सुबह से रात तक बस स्ट्रेस, नेगेटिविटी वाली बातें, है ना, इधर उधर की चुगली, ये वाली बातें हम लोग करते थे उस टाइम। जैसा सर्कल होता है, जैसी संगत होती है, वैसी सी रंगत हो जाती है ना, ये सुना होगा आपने, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरी भी संगत कुछ ऐसी थी, लेकिन जब मैं इस संगत में आया, इस अच्छी वाली संगत में, मुझे बड़ा अच्छा फील होने लगा। और जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मैंने एक चीज का वहां पे ही बैठकर डिसीजन ले लिया कि परमात्मा को सबसे पहले थैंक्स किया, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये इतना अनमोल शरीर देकर यहाँ धरती पे भेजा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ने हमें ये एक दिमाग देके भेजा है
जो जिसकी वजह से हम डिसीजन ले पाए और हम इस मिशन में आ पाए, है ना। तो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने मुझे ऐसा डिसीजन लेने की शक्ति दी कि मैंने पहली बार में यस करके बोला कि यस मैं इसको करूंगा ना। तो उसके बाद फिर मैंने आकर, अभी तक तो मैं शर्मा रहा था कि कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैंने उस मीटिंग को देखा तो उसके बाद मैंने बोला अब शर्माना नहीं है संदीप, अगर इस जिंदगी से बाहर निकलना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत तो तू वैसे भी कर रहा है, सुबह घर से निकलता है रात के 11 बजे तक मेहनत ही तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे आ कुछ नहीं रहा ना। तो अभी तुझे शर्माना नहीं है, लोग कोई पूछे ठीक है, नहीं पूछे तो बताना है। अभी मैं क्या करता था पता है आपको, जिस दुकान पे जाता था मैं उसको क्या बोलता था, यार भैया एक बात बताओ मेरे अंदर चेंज नजर आ रहा है आपको, मेरे अंदर चेंज नजर आ रहा है आपको, बोलते हाँ यार चेंज तो नजर आ रहा है। तो ऐसे करके मैं दिन में कम से कम 30 से 40 बार लोगों से पूछता था कि चेंज नजर आ रहा है, चेंज नजर आ रहा है। अब कुछ लोग तो कहते थे हाँ यार आ रहा है, बस इतना ही बोलते थे हाँ यार आ रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते थे कैसे आ रहा है ना, क्या कर रहा है तू, है ना। तो मैं यही तो सुनना चाहता था कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। तो धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ने लगा, कस्टमर बेस बढ़ता गया, ट्रेनिंग्स लेता गया, जिंदगी बदलती गई, और बदलते बदलते सुपरवाइजर बना, और देन फिर उसके बाद और लोगों की मदद करता रहा, मेरे साथ और कस्टमर से कोच में कन्वर्ट होने लगे, ये कारवा जो है ऐसे बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 आज 9 साल हो गए, और 9 साल बाद जो मेरी लाइफ है आज अमेजिंग लाइफ है, मिलियनेयर टीम हूँ, तो आपको मालूम है कि इनकम जबरदस्त है, जिंदगी पूरी टोटली चेंज हो गई, इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है मेरे को, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, शायद कोई मेरे से पूछता तो आप कितना पढ़े लिखे हो, तो मैं कई बार पहले शुरू शुरू में बड़ा शर्माता था, यार ये इतनी बड़ी कंपनी है क्या बताऊं कितना पढ़ा लिखा हुआ ना, लेकिन अब बड़े गर्व से बताता हूँ कि मैं सिर्फ 10 क्लास पढ़ा हूँ, राइट 10 क्लास पढ़ा हूँ, लेकिन आज शायद जो बहुत बड़े ऑफिसर होंगे ना उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूँ, बहुत सारी नेम है, फेम है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जब मैं वो वाला बिजनेस करता था ना तो कोई मुझे नहीं जानता था, कोई नेम नहीं था, कोई फेम नहीं था। अभी देखो ना आप 494 लोग हो, 494 लोग हो, आज आप मुझे सुन रहे हो, है ना। पहले मेरे को एक एक लोग भी नहीं सुनते थे, लेकिन आज आप लोग 500 लोग मुझे सुन रहे हो, और यहाँ पे आकर ये नेम फेम। और अभी मैंने लास्ट मंथ एक अपना ड्रीम पूरा किया, मैंने अपना चंडीगढ़ के अंदर जो मेरा सपना था कि मैं अपना घर लूंगा, मैंने चंडीगढ़ में अपना घर लिया, मैंने गाड़ी ली, एक इंसान जिसके पास एक टेम्पो होता था वो आज फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाता है। तो टोटली लाइफ जो है ना वो चेंज हो गई, और सबसे बड़ी बात है इन ब्लेसिंग्स की वजह से जो हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, और दुआओं की वजह से ब्लेसिंग अकाउंट तो भर ही रहा है, साथ में फाइनेंशियली भी हम लोग मजबूत हो पा रहे हैं, राइट। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें आ गए हो ना तो आज एक चीज को समझ लो, कोई आपसे पूछे ना पूछे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को बताइए, लोगों को बताइए कि मैं एक ऐसे मिशन में हूं मैं जिसमें लोगों की सेहत अच्छी करने में उनकी मदद करता हूं, है ना। तो आज मैं आपको बहुत सारे टूल्स बताने वाला हूं जो कि मेरा टॉपिक है आज का, DMO, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा टूल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन एक्चुअली में होता क्या है ना, एग्जाम्पल हमें मान लो मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूं और मुझे अमृतसर जाना है, राइट। तो चंडीगढ़ जाने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं, मैं चंडीगढ़ अपनी बाइक से भी जा सकता हूँ, है ना, मैं चंडीगढ़ से अमृतसर अपना कार पे भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, और मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मेरे पास मेरे तरीके हैं। पैदल जाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, पैदल जाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रेन पे जाऊंगा उससे थोड़ा कम समय लगेगा, कार पे जाऊंगा तो उससे और कम समय लगेगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। सेम आप सबको कहां पहुंचना है, आप सबका क्या गोल है, आप ऑलरेडी हर्बल लाइफ में आ चुके हैं, आप वेलनेस कोच बन चुके हैं, तो अभी हम सब लोगों का क्या ड्रीम है, क्या सपना है कि हमें प्रेसिडेंट टीम बनना है, प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है ना। तो वहां पे पहुंचने के लिए हमें जो लोगों तक पहुंचना है, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं, किस किस तरीके के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी लीड जनरेशन के टाइम पे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, वो आपको गौरव जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था उस दिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हमारा जो DMO है वो क्या है। सबसे पहले हमें जो हमारे कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर, टैपिंग कर दीजिए,
बनाया था जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, वो क्या है? यूज वेयर एंड टॉक, राइट। यूज मतलब हमें न्यूट्रिशन यूज करना है, हमने वाओ रिजल्ट लेके आना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सुंदर बनाते चले जाना है, अपने आप को अपनी एज से जितना कम हम दिखेंगे उतना हमें लोग ज्यादा पूछेंगे, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है, राइट। और वेयर क्या करना है? वेयर करना है हमें अपने सबसे पहले चेहरे पे स्माइल वेयर करनी है, जो किसी किसी के चेहरे पे अभी नहीं है, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो आपसे हर एक इंसान बात करना चाहेगा, लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी तो शायद कोई आपसे बात करेगा और कोई बात आपसे नहीं करेगा। तो वेयर करना है आपको, और वेयर क्या करना है आपको, अपना कोई भी ब्रांड वेयर करना है, मतलब जैसे ये मेरा आप बटन देख रहे हो, मेरे कोट पे बटन लगा हुआ है, राइट, ये आप देख रहे हो, वजन घटाएं बढ़ाएं पूछे कैसे, तो ऐसा एक बटन आता है जिसको आप वेयर कर सकते हो। आप जैसे ये मेरे हाथ में ऑफ्रेश है, राइट, ऑफ्रेश आपके हाथ में भी होगा, इसको भी एक वेयर ही कर सकते हैं। वेयर मतलब कमरे के अंदर बैठकर पीने की जगह आप थोड़ा सा जहां भी पब्लिक में जाते हैं वहां पे इसको पियो, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे, इसको क्या है, कैसे है ना। आप कई बार क्या होता है कि बालकनी होती है आपके घर में, तो बालकनी में भी आप खड़े होकर पी सकते हो ना, सुबह सुबह। कई बार लोग इसके कलर पे चले जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे ये सुबह सुबह ही क्या पी रहे हैं ना, तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि लोग हमारे से पूछें, तो लोग हमारे से तब पूछेंगे जब हम न्यूट्रिशन को दिखा दिखा कर खाएंगे, तभी हमारे से लोग पूछेंगे। कोई भी आप शेक पी रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, तो दिखाओ ना सोशल मीडिया पे, आप स्टोरी में दिखाओ, उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, तो आप उसके बारे में सबको बताओ, राइट। वेयर करो इसको, ये वेयर है। कोई भी आपके पास आप टी शर्ट जैसे डालते हो, सूट डालते हो, टी शर्ट वेयर कर सकते हो हर्बल लाइफ ब्रांड वाला, या आप टी शर्ट जैसे आती है तो टी शर्ट के पीछे लिखवा सकते हैं हम लोग कि अगर आपको वजन कम करना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा बहुत कुछ मटेरियल आता है, वो आपके जो कोच हैं वो आपको बताएंगे, तो ऐसा आप वेयर कर सकते हो। और तीसरी चीज क्या मार्क्यूज जी ने बनाई है, यूज वेयर एंड टॉक, बात करना। हमें लोगों से बात करनी है, राइट, हमें लोगों से बात करनी है। कौन कौन से लोगों से बात करनी है? दो ही प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, कौन कौन से? एक आपके जानने वाले लोग, एक अनजान लोग, इसके अलावा तीसरी कैटेगरी नहीं होती। होती है क्या तीसरी कैटेगरी? कोई होती है नहीं होती है। तो मतलब हमें सबसे बात करनी है। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है टूल, वो है जानने वाले लोग, COI, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। सबसे ज्यादा काम करता है इस टाइम आपका सर्कल, और इसके ऊपर कैसे काम होगा इसके बारे में भी बताएंगे, और अनजान लोगों से कैसे बात होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज आपको अभी लिखनी है अपनी कॉपी में, आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी है, जैसे कि आपको गौरव आचार्य जी ने भी बताया था ना कि आपको सबसे पहले लीड्स की, प्रोस्पेक्ट्स की एक फाइल तैयार करनी है, डायरी में लिखना है। तो अभी आप अपनी डायरी में लिखो FRIENDS, फ्रेंड्स लिखो, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। आज मैं आपको लिस्ट बनानी सिखाता हूं कि कैसे लिस्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स को आप जो है इकट्ठा मत लिखिए, FRIENDS, इस ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे करके लिखिए, ताकि आपको इसका पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म समझाऊंगा कि कैसे आप लीड्स को लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आया F, F के आगे लिखो फ्रेंड। हम सब के फ्रेंड होते हैं, राइट, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड होते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड लिखना है। फ्रेंड के आगे आप लिखिए इक्वल टू 10 लिखिए, इक्वल टू 10। उसके बाद आता है R, राइट, R के आगे लिखिए रिलेटिव्स, R के आगे लिखिए रिलेटिव्स। हमारे सबके रिलेटिव्स होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं ना सबके, तो रिलेटिव्स के आगे लिखिए 10, ठीक है, 10। उसके बाद क्या आया, आई, इंस्टीट्यूट। आप कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होंगे, कहीं ना कहीं स्टडी की होगी किसी ना किसी कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, उसके आगे लिखिए 10, ठीक है। उसके बाद आया ई, ई मतलब एम्प्लॉय, आपका अपना बिजनेस होगा या आप जॉब करते होंगे
या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई जॉब करता होगा या कोई बिजनेस करता होगा, तो एम्प्लॉय के आगे लिखिए टेम। उसके बाद आगे आता है एन, राइट, एन आता है ना, एन के आगे लिखिए नेबर। आप सबके पड़ोसी होंगे, जहां भी आप रहते होंगे, अड़ोस पड़ोस में लोग भी रहते होंगे, उसके आगे लिखिए टेन, राइट। उसके बाद आता है डी। डी में आपने लिखना है डेली मीट, यानी कि आप बहुत सारे लोगों से रोज मिलते होंगे, जैसे कि किराने वाला, जैसे कि दूध वाला, जैसे कि सब्जी वाला, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप डेली मिलते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया सी ओ आई। उसके बाद आता है लास्ट में एस, एस आता है, एस के आगे आप लिखेंगे स्ट्रेंजर, अननोन लोग, स्ट्रेंजर आपको मिलते हैं ना कई बार, अननोन लोग। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, सबके आगे आपने 10-10 लिख लिया, ठीक है। अब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, ये सात कैटेगरी हैं, सात कैटेगरी हैं, और आपने सब लोगों की 10-10 लोगों की लिस्ट बनानी है। जब आप 10 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और 10 इंटरव्यू करेंगे, तो आपके पास कितने लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, कितने लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, 70 लोगों की लिस्ट, राइट, 70 लोगों की लिस्ट तैयार। अब आपको क्या करना है, इन 70 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद, ये लिस्ट कौन से लोगों की बनानी है, अपने वर्चुअली इनवाइट करना है, हेलो हेलो, हाँ जी, मैं थे आज ना सुबह पेंट प्रेस करी, हमारी चाबी देखी, मेरी कोई दिखी था ना एक सिंगल चाबी ना, कौन दिखी, ठीक है भाई, कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करना है, प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है ना, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की जरूरत है, बाकी सबको आराम से आपने बात करके क्लब में इनवाइट करना है। वो कम्युनिकेशन आपको उन्होंने, गौरव जी ने बहुत अच्छे से उस दिन बताया था ना। अब आप एक चीज को समझ लो, अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो नो सुनने की आदत डाल लो, नो से नहीं घबराना है ना, क्योंकि सारे लोग हाँ नहीं करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है 70 लोगों की लिस्ट बनाई और 70 के 70 बोलेंगे अरे तू कहां था, तेरी तो मैं वेट कर रहा था कब से, चल मुझे फटाफट लिंक दे, मैं तेरे सेशन में आऊंगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होगा। 70 में से ज्यादा जोर लगा के मैं अगर आपको बोलूं, 10 में से एक, 70 में से सात, ठीक है, 10 में से एक, 70 में से सात, तो ये सात लोग आपके वर्चुअली क्लब में आ गए, आपका न्यूट्रिशन यूज करने लगे। तो अभी आप इस बात को समझो, जब ये सात लोग आए, और कल कितना बढ़िया तरीके से आपको लवीना मैम ने सिखाया कि हमें कस्टमर को कोच में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट, अगर आपने कल की मीटिंग अटेंड करी थी तो अभी आप सब सीख चुके हो कि कस्टमर को कोच में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सातों लोग जो आपके पास आए हैं, इन सातों लोगों को आपको अच्छे से केयर करनी है, अच्छे से डाइट प्लान करना है, अच्छे से हैप्पी कस्टमर बनाना है। अब इन सात में से क्या सात के साथ ही कोच बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना, मैं बोलता हूं इन सात में से दो कोच बनते हैं, पांच नहीं बनते, हम कम सोच के चलते हैं। तो जब ये दो कोच बनेंगे तो क्या ये एक्टिविटी हम दो उन कोच के साथ भी कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताई, कर सकते हैं। तो जब आप दो कोच आपके बनेंगे और उन दो कोचेस के आप ऐसे लिस्ट तैयार कराओगे तो कितनी लिस्ट तैयार हो जाएगी, 70 और 70, 140 लोग आ जाएंगे आपके। फिर आप बोलते हो लोग नहीं मिलते सर, अब बताओ लोग कहां से आएंगे, कितने लोग हो, अभी 140 लोग हो गए, 140 लोगों से बात करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सबसे बात कर लोगे, हो सकता है आप 10 लोगों से रोज बात करो, हो सकता है आप 15 लोगों से बात करो, लेकिन इन 140 में से अगर 14 लोग आपके पास आ जाते हैं, तो इन 14 में से अगर चार फिर कोच बन जाते हैं, तो आप सोचो कि आपका कारवा कैसे बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा और कोई भी टूल ना करो, यही टूल करते रहो, इतने लोग हो जाएंगे कि आप जैसे हमारे सैम सर बोलते हैं ना, 3 साल 36 महीने लगते हैं प्रेसिडेंट टीम बनने को, तो डेफिनेटली अगर आपने इस वाले सिस्टम पे काम किया तो फिर आपको 3 साल से भी कम समय लगेगा प्रेसिडेंट टीम बनने में। लेकिन ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, अरे वाओ 70 लोग हो गए फटाफट, 7 हो गए, लेकिन इसके ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा, आपको अपना टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि इन लोगों से बात डेली रूटीन में करनी है,
और कैसे इनका फॉलोअप करना है वो गुरप्रीत जी ने आपको बढ़िया तरीके से उस दिन बताया था कि कैसे फॉलोअप करेंगे। तो ये सारी जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है ना, ये ट्रेनिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ ऐसे काम करना है। तो ये COI आपको वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके खुद के पर्सनल रिजल्ट के ऊपर। अगर आप अपने पर्सनल रिजल्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो शायद वो जो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होते हुए भी शायद कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अच्छा है और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको इनवाइट, वो आपका रिजल्ट देख रहा है कि वैसे आप में बहुत फर्क है, आप पहले से बड़ा चेंज हो गए, राइट। तो COI के ऊपर काम करना है हमें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। लिस्ट तैयार करिए, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आज बैठकर अपनी लिस्ट बनाइए। आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑलरेडी पहले से कोचिस हो, उनकी लिस्ट तैयार करवाइए और सब लोग मिलके जो है इस तरीके से बात करना स्टार्ट करिए, राइट। उसके बाद दूसरा टूल क्या है जिससे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? दूसरा जो सबसे बड़ा टूल है जो आज के टाइम पे जबरदस्त काम कर रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, हमारा ये जूम जिसपे हम बैठे हैं अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये भी तो एक सोशल मीडिया है, राइट। तो सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे आपको अनजान लोग भी मिलेंगे और सोशल मीडिया से आपको बहुत सारे अपने सर्कल वाले लोग भी मिलेंगे, राइट। क्योंकि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ज्यादातर कौन से लोग होते हैं आपके पास, जो आपको जानते हैं वही आपके व्हाट्सएप को देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप के जो स्टेटस है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम करता है ना, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक, आपने प्रोफाइल पिक कैसी लगाई हुई। आज आप वेलनेस कोच बन चुके हो सकता है आज से पहले आप कुछ और काम करते हो, है ना, हो सकता है आप पहले कुछ और काम करते हो, लेकिन अगर आप वेलनेस कोच बन गए हैं तो आपका प्रोफाइल पिक सुंदर सा होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, राइट, आपका खुद का होना चाहिए, या कुछ ऐसा आपने प्रोफाइल पिक हमेशा अपनी खुद की लगानी चाहिए, ना कि कुछ भी ऐसा हेल्थ इंफॉर्मेशन लगा देते हैं। कई बार तो कुछ बेचारे जो जिनके दिल टूटे होते हैं वो दिल टूटे हुए ही फोटो लगा देते हैं, ऐसा मत करिए, है ना, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप एक वेलनेस कोच है तो कुछ ऐसा लगाइए जिससे लोगों को अच्छा लगे। उसके बाद जो आपका व्हाट्सएप स्टोरी है, जो व्हाट्सएप की स्टोरीज लगाते हो, स्टोरी आप उस पे क्या लगा सकते हो, आप अपना खुद का रिजल्ट लगा सकते हो, आप अपने कस्टमर का रिजल्ट लगा सकते हो, आपके बहुत सारे लोगों के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज चलते हैं उसमें वीडियोस बनती है, बिफोर आफ्टर की फोटोज आती हैं, आप वो वीडियो लगा सकते हो, आप खुद अपनी वीडियो बनाकर लोगों को इनवाइट करने के लिए अपना एक मिनट का वीडियो बना सकते हो कि मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं लोगों की मदद करता हूं उनके वजन को कम करने में, उनकी सेहत अच्छी करने में, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप बता सकते हैं ना, बस इतना छोटा सा तो बोलना है, बहुत सारा कुछ नहीं आपको वहां बताना। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से कैसे कम्युनिकेट करना है आपको गौरव जी ने उस दिन समझाया था ना, बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं देनी है, इतना सा बोलिए। इतना बोलना मुश्किल है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 क्लास पढ़ा हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने इंग्लिश का वर्ड कौन सा यूज किया? वेलनेस कोच ये तो सभी लोग बोल सकते हैं। वैसे आपको एक चीज बताऊं, हर्बल लाइफ में आकर एक चीज और मेरे को बड़ा अच्छे से समझ आ गई, मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड अब यूज करने लगा हूं, अपने कोचिस को सुन के बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मैं यूज करने लगा हूँ और ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो आपको अपने जो स्टोरी लगानी है व्हाट्सएप की स्टोरी, मैं बहुत बार देखता हूँ बहुत सारे कोचिस क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर की फोटो लगाते हैं और फिर चादरें बेच रहे होते हैं, फिर कोई ब्यूटी के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, मतलब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये नहीं करना है आपको, है ना, ये नहीं करना है। एक वेलनेस कोच सिर्फ वेलनेस कोच की बात करता है। आप लोग सोचते हो कि मैं कपड़े भी बेच लूं, साड़ी भी बेच लूं, सूट भी बेच लूं, ब्यूटी के प्रोडक्ट भी बेच लूं और हर्बल लाइफ भी साथ में कर लूं, तो ऐसा मत करिए, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अगर किसी को कोई चैलेंज हो जाए, मान लो किसी को डायबिटीज है ना, किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? जनरल डॉक्टर के पास जाएगा जो बुखार भी ठीक करता है, खांसी भी ठीक करता है, कोल्ड भी ठीक करता है, आप उसके पास जाएंगे या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जो ओनली एंड ओनली डायबिटीज के लिए स्पेशलिस्ट है? किसके पास जाएंगे बताइए? डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास ना, जो स्पेशलिस्ट है।
तो अब किसी को वजन कम करना है तो वो किसके पास आएगा? उसके पास जो सूट भी बेच रहा है, जो साड़ी भी बेच रहा है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेच रहा है और साथ में लोगों के वजन भी कम कर रहा है, वो उसके पास नहीं आएगा। वो किसके पास आएगा? जो सिर्फ और सिर्फ ओनली लोगों की सेहत को ठीक करने का काम कर रहा है। तो आपको एक ऐसा वेलनेस कोच बनना है, आपकी स्टोरी से पता लगता है। व्हाट्सएप की स्टोरी का मतलब क्या है? आपकी स्टोरी, राइट? आपकी स्टोरी। स्टेटस क्यों बोलते हैं? कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करते हो। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे जब नए नए हम आते हैं ना, तो हमें पुरानी आदत पड़ी होती है कि अगर हमें घर में कोई कोई भी बात हो गई तो सैड सॉन्ग लगा दिया अपने स्टेटस पे कि हम बड़े दुखी हैं। हम लोगों को बताते हैं ना, हम बड़े दुखी हैं। हमारे चोट लग जाती है तो हम चोट की फोटो खींच के स्टेटस पे लगाते हैं, ये ले जी मेरे चोट लग गई। बुखार हो गया तो डाल दिया, आज मुझे फीवर है ना। तो ये नहीं करना है हमें। हमें लोगों को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना है। हमें लोगों को किस तरफ लेके जाना है? पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। हम एक वेलनेस कोच है तो हमने उसके ऊपर एक अच्छी अच्छी बातें डालनी है जिससे लोगों को फायदा मिले, राइट? आपको बुखार हो रहा है और आप बात कर रहे हो मैं सेहत ठीक करता हूँ, मेरा इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, क्या जरूरत है ना? ये चीजें स्टेटस पे लिखने वाली नहीं होती। ठीक है, बुखार हो जाता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन क्या दुनिया को बताना जरूरी है? क्योंकि कई बार हमें ना सिंपैथी लेने की आदत पड़ जाती है कि मैं लिखूंगा बुखार तो लोग पूछेंगे अरे कैसे हो गया, चोट लिखूंगा तो लोग पूछेंगे अरे चोट कैसे लग गई है ना। तो हमें ये नहीं पूछवाना है, हमें ये पूछवाना है कि हम सेहत कैसे अच्छी करते हैं। अपने वर्चुअल क्लब की वीडियोस डालो, जो आपके सुबह रोज वर्कआउट होता है, खुद वर्कआउट करते हुए वीडियोस डालो। जब आप वर्कआउट करते हुए वीडियो डालेंगे तो जो आपके जानने वाले लोग हैं ना व्हाट्सएप पे, वो पूछेंगे अरे ये लेट उठने वाला इंसान आज सुबह सुबह वर्कआउट कैसे कर रहा है, ऐसा क्या मिल गया इसको, है ना? तो आपके जानने वाले लोग आपको जानते हैं, आपके जानने वाले लोग आपको जानते हैं। आप ये भी अभी एक छोटी सी वीडियो ये भी बना सकते हो व्हाट्सएप स्टेटस पे कि मैंने एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है जिसको ज्वाइन करने के बाद मेरी सेहत में जबरदस्त चेंज आया है, अभी मेरा एनर्जी भी बढ़ गया है, मेरा वजन भी कम हो गया है, मैं बहुत खुश हूं। बस जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को इनवाइट करें। अगर इतना सा डाल दें कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अपनी सेहत ठीक कर रहा हूं, तो लोग आपसे पूछेंगे अरे भाई कौन सी कम्युनिटी आपने ज्वाइन की है, कहां पे जाते हो आप। जब आप लोगों को इनवाइट करते हो तो शायद लोग पीछे हटते हैं कि यार इसने ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मुझे इनवाइट कर रहा है। जब आप लोगों को इनवाइट नहीं करते हो, सिर्फ इतना बोलते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। अभी इससे पहले क्या मैं बात कर रहा था, चोट लगी तो दिखाते थे ना लोगों को कि मेरे चोट लग गई, है ना? आज चोट नहीं दिखानी, आज क्या दिखाना है लोगों को, खुशियां दिखानी। अरे मैं बड़ा खुश हूं, अरे मेरी स्किन में इतना जबरदस्त चेंज आ गया, अरे आज से कुछ समय पहले मेरे यहाँ स्किन पे निशान होता था लेकिन अभी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। बस इस पे कौन देखेगा? आपके रिश्तेदार देखेंगे आपको, और रिश्तेदार को तो पता होगा ना, हाँ इसकी स्किन पे निशान था, क्या किया इसने। तो ऐसा आप डालिए जिससे लोगों को पॉजिटिविटी मिले, राइट? उसके बाद आपका फेसबुक, फेसबुक से आपको जानने वाले लोग भी मिलते हैं और कुछ अनजान लोग भी आ जाते हैं जो फेसबुक फ्रेंड्स बनते हैं, राइट? तो वहां पे आप क्या क्या डाल सकते हो, वहां पे अपना रिजल्ट डालिए आप, वहां पे आप अपने कस्टमर्स का रिजल्ट डालिए, वहां पे आप अपने कस्टमर्स का रिव्यूज डाल सकते हैं। जो सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में आपके लोग रिजल्ट शेयर करते हैं ना, तो वो छोटी सी क्लिप बनाइए, उसकी वीडियो बनाइए और वहां पे डाल दीजिए। अब वहां पे क्या होता है, अब मान लो कोई बोल रहा है कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और पीसीओडी में मेरा वजन कम नहीं होता था, लेकिन इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मेरा पीसीओडी होने की पीसीओडी है भी तब भी मेरा 8 किलो वजन कम हो गया और मैं बड़ी खुश हूं। अब वो लोग जिनको पीसीओडी होगी, या वो हस्बैंड जिनकी वाइफ को पीसीओडी होगी, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के घर में किसी को पीसीओडी होगी, वो सुनेंगे आपका रिजल्ट तो वो रिलेट करेंगे, अरे पीसीओडी में रिजल्ट आ गया तो मतलब ये कम्युनिटी अच्छी है, वो आपसे पूछना चाहेंगे, है ना? या जैसे थायराइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, थायराइड की वजह से मेरा वजन बढ़ रहा था और मेरे को कहीं पे भी वजन कम करने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मुझे बहुत ही जबरदस्त डाइट प्लान बताया गया और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके थायराइड होते हुए भी मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। शायद थायराइड आपको भी हो सकती है किसी को, आप भी तो अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो ना, ऐसे फेसबुक पे डाल सकते हो तो लोग रिलेट करते हैं, लोग रिलेट करते हैं कि यार इसको थायराइड में भी वजन कम हो गया, कैसे हो गया, है ना? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप आप डाल सकते हो। एक वीडियो क्लिप बड़ी अच्छी जो लोगों को रिलेट करती है कि मैंने
मेरा वजन बहुत ज्यादा था और मैंने आज तक जिससे भी पूछा वो यही बोलता था कि आप भूखे रहिए और भूखे रह के वजन कम होगा, डाइटिंग करिए। लेकिन मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसमें मुझे भूखे नहीं रहना पड़ा। मैंने 5 बार भी खाया, 6 बार भी खाया और मैंने उसके बावजूद भी अपना 15 किलो वजन कम कर लिया। अब लोग क्या चाहते हैं, जिनको वजन कम करना है क्या चाहते हैं कि खाते पीते मैं वजन कम करूं, है ना? तो लोग रिलेट करेंगे और वो आपसे पूछेंगे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स आप जो है अपने फेसबुक पे डाल सकते हो जो लोगों को अच्छे लगे और लोग देख के आपकी तरफ आए और आपसे पूछे कि आपने कैसे खा पी के वजन कम किया, राइट? तो जो लोगों को सुनना है वो सुनाइए, जो आपको सुनना है वो मत सुनाइए। लोगों को जो चीज अच्छी लगती है वो सुनाइए। लोगों को खा पीकर वजन कम करना अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए ना कि खा पीकर हम वजन कम करते हैं, राइट? तो ये इस तरीके से आप फेसबुक पे, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर जो आपका रील बनती है, रील बना सकते हो आप, राइट? रील बना सकते हो उस पे, फेसबुक पे भी रील बनती है और इंस्टाग्राम पे भी रील बनती है। IGTV लाइव होना शुरू करिए, अगर आपको लाइव होना अच्छा लगता है तो लाइव होने की कोशिश करिए। लाइव पता आप कब होंगे, जब आप जूम पे अपना वीडियो कैमरा ऑन करके बैठेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू करेंगे, यहां से आपका जो है लाइव होने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है। लाइव होने, अच्छा लाइव होने पे क्या बात करनी है, अरे बड़ा आसान है, लाइव होकर बात करना बड़ा आसान है। क्यों? जो भी आप सभी लोग वर्चुअल क्लब ज्वाइन करते हो, सुबह वर्चुअल क्लब में रोज कुछ ना कुछ एजुकेशन दी जाती है छोटे छोटे टॉपिक पे। 5 पॉइंट बना लीजिए ना, आज आपको बताया गया हैप्पीनेस के बारे में, आज आपको प्रोटीन के बारे में बताया गया, आज आपको स्ट्रेस कैसे कम करना है उसके बारे में बताया गया, बहुत सारे टॉपिक है ना। और जो सुबह आपके क्लब में टॉपिक हुआ उसके 5 पॉइंट बनाइए और आ जाइए लाइव और बताइए कि चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरे पास है 5 टिप्स आपको बताने के लिए, पहला टिप ये, दूसरा टिप ये बता के उसके बाद थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला लोगों को, मैंने कोई इनवाइट नहीं किया, यहाँ पे लास्ट में बोलने की जरूरत नहीं है कि आइए आप मेरे इस क्लब में आइए, नहीं। लोग जब आपको देखेंगे कि यार ये पर्सन को बड़ी नॉलेज है तो लोग आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि आपको इतनी नॉलेज है, आप बताइए कि मेरे को अपनी सेहत ठीक करनी है कैसे करूं, राइट? तो ये ना एक्चुअली थोड़ा सा ये क्या होता है, कई बार जितना हम लोगों के पीछे भागते ना, लोग आगे आगे भागते हैं, है ना? तो हम लोगों को कह भी नहीं रहे आओ, हम सिर्फ अपनी खुशियां बता रहे हैं। खुश कौन नहीं होना चाहता, अच्छा बता। अभी मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा बीपी का प्रॉब्लम ठीक हो गया यार, मेरे को ना पहले XXL आता था, अभी ना मेरे को L आता है यार, बड़ा मजा आ रहा है लाइफ जीने का। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे किया। और मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं कि आप भी करो, मैंने तो नहीं बोला आप भी करो, लेकिन आप अंदर ही अंदर चाह रहे हो कि यार मुझे भी बताओ कैसे, है ना? तो ये चीज है, हमें अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे जो भी स्टोरी डालनी है वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करे। आप एक वेलनेस कोच है, दिखने चाहिए आप वहां पे कि आप वेलनेस कोच है, राइट? आप फैमिली टाइम डाल सकते हो, फैमिली टाइम भी डाल सकते हो कि आप खुश रहते हो ना, अपनी फैमिली में खुश रहते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए, लेकिन आप फैमिली के साथ खुश रहते हुए, घर पे रहते हुए अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हो। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारे लोगों को मतलब यहाँ पे ला सकते हैं ना। मैं बोलूं तो आप फेसबुक के ऊपर ना डेली एक काम करो, अपनी फ्रेंड्स वाली जो लिस्ट है ना उसको बड़ा करो। वो कैसे होगी फेसबुक पे, अब डेली एक रूटीन बनाओ ना, 5 से 7 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट डालनी है। अब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किनको डालनी है, फेसबुक पे आता है ना नोटिफिकेशन, आता है, देखते हो आप अपने आप, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट उन लोगों को भेजनी है जो दिखते हैं आपको, ये जेन्युइन पर्सन है यार, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं भेजनी है, नहीं तो फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अगर आप 20-30 फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर एक दिन में भेजोगे तो फेसबुक ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर आप 5 से 7-8 डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो उससे क्या होगा, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ेगी, फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ेगी, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी लोग उतना आपको देखेंगे, और जितना आपको देखेंगे उतना ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओगे, राइट? तो ये सोशल मीडिया हो गया। ये वैसे तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, बट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि सोशल मीडिया से कैसे आप जो है
लोगों को लेके आ सकती हूँ, राइट। तो अभी तक जो बता रहा हूँ मजा आ रहा है, समझ आ रही है, तभी आगे बढ़ेंगे ना। हाँ चलिए, तो तीसरा टूल क्या है? तीसरा टूल है इन्विटेशन कार्ड। अब इन्विटेशन कार्ड क्या है, मैं उसके बारे